अरे बेटी पुष्पा, छोटी बच्ची हो क्या? क्या बनना चाहते हो आगे चलते? हम मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। वैज्ञानिक बनना चाहते हो? मैं ऐसा बम बनाऊंगा कि एक ही बार में चीन खत्म हो जाए। एक बार में चीन खत्म हो जाए। बहुत ही बड़ी झूठी निकम्मी सरकार अभी तक नहीं आई। इतना आदमी परेशान हो गया आज के टाइम में, कैसे अपना मैनेज कर रहा है, कैसा घर चला रहा है वो जानता बंदा। और बात करते हैं विकास की, बेवकूफ बना रहा है जनता को, अब नहीं बनने वाली। 2024 में मोदी जी का जाने टाइम आ गया, छुट्टी चल। बड़ी तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ गुज्जो मेरी गांड में। अरे ये क्या है भाई? भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या करते हो चूतिया अपन ने कहा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड, आप थकते क्यों नहीं? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। मैंने जजेस को बात करते हुए देखा है, दो जजेस आपस में, यार फोन पे बात मत करना, फोन टैप हो रहे हैं, यार फोन पे बात मत करना, फोन टैप हो रहे। मैंने पूछा, मैंने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता, जजेस के फोन टैप नहीं हो सकते? उन्होंने कहा नहीं, टैप हो रहे हैं, सबके टैप हो रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस, ऊपर जुडिशरी, निचली जुडिशरी। मुझे नहीं पता सच है कि गलत है, लेकिन इतना वाइड स्प्रेड अगर फियर है और अगर ये सच है तो ये बड़ा खतरनाक है। फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कहां रह गई? एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। जी हां, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है और ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया है। सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस की जो बिल्कुल डिजास्टर रही, कंगना रनौत फिल्म को चलवाने के लिए योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गई, वो भावुक भी हो गई, लेकिन फिर भी उन्हीं के भक्त फिल्म को देखने नहीं पहुंची। कंगना रनौत ने जगह जगह जाकर खूब प्रचार किया, कभी रावण दहन करने पहुंच गई, कभी इसराइल के दूतावास पहुंच गई, लेकिन इतना सब करने के बाद भी थिएटर में लोगों की जगह खाली कुर्सियां पड़ी नजर आई। बहुत ही बड़ी, देश की जनता का पाई पाई का हिसाब देश की जनता को मिलना चाहिए।
और इसलिए भाइयों बहनों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मोदी जी को जानते हो तुम लोग? मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी। कहाँ देखा था? मैंने भी टीवी में। क्या करता था मैं टीवी में? अभी पता चलेगा। ठीक है ये लोडा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। अबे चुप। न्यायेन राज्यम, लवणेन भोज्यम। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। देखो कौवा कान काट कर उड़ गया। आप मोदी को गाली दो भाई, भाग यहाँ से। आइए देखते हैं। कनवा में सोभे वाली जुड़ा, देखिए लोगों की ध्यान है और चाल चले मतवाली। ये तो बहुत अच्छा गाना है। अच्छा किसान सर, अरे कनवा में सोभे वाली जुड़ा में लगा के जाली, कनवा में सोभे वाली जुड़ा में लगा के जाली, चाल चले ली मतवाली बगल वाली। ये तो एक श्रृंगार गीत है। मैं नहीं मानता। अच्छा ये भी श्रृंगार गीत है जिसमें आपने कहा फटाफट खोल के दिखाओ। मैं सुनवा देता हूँ लोगों को। क्या बात है पंडित जी, क्या बात है। और जो मजाक बना रहे हैं ना मोदी से जुड़ी एक खबर चल रही है। खबर यह है कि उन्होंने राजस्थान के एक मंदिर में सिर्फ 21 रुपए दान किए। 21 रुपए? तो इसीलिए मैं आपके सामने खोला और इसमें ये 21 रुपए निकले। मजाक है ये? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें लिफाफा डाला है? और अगर आपको लग रहा है कि लिफाफा डाला है, क्योंकि ये विजुअल आप जरा गौर से देखेंगे तो कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है। ये जो आपको ये जो इलाका दिख रहा है, ये 200 रुपए के नोट वाला इलाका है और अंदर कुछ गड्डियां हैं। अगर मान लीजिए 21 रुपया होता तो वो तो स्लिप हो जाता ना, लेकिन वो गड्डी है आप देखिए, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पुश कर रहे हैं ताकि वो अंदर की तरफ चला जाए। अब अगर गड्डी होगी तभी तो पुश करना होगा। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? समझ में आ रहा है। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू जैसे बबलू खेल रहा हो, अकड़ बकड़ बम्बे भो, 80-90 पूरे 100-100 में लगा धागा, बबलू निकल कर मार रहा। दूसरा वाला कंप्यूटर जी जी दूसरा एक और भी देखें। क्या कर रहे यार तू? तो मजाक है क्या? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें।